मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सामने बैठे हुए सभी सुधी विद्वज्जन, नागरिक बंधु, माता बहनी, समय का अभाव ऐसा हम कहते हैं। वास्तव में समय का अभाव ये असंभव बात है ना, क्योंकि समय समाप्त हो गया तो विश्व का विलय हो जाएगा। तो समय तो है और चलते रहता है, किसी को कम ज्यादा नहीं है। हम उस समय को मर्यादित कर देते हैं, 6:30 बजे तक यहाँ रहना है, 7 बजे वहां पहुंचना है, ये मैंने कर दिया, समय ने नहीं किया। ऐसे दुनिया में बहुत कुछ चलता है। अपने देश के बारे में भी हमने ही पहले कुछ कर दिया, अब हमको ही उससे बाहर आना है। ये बात सही है कि हम अपना इतिहास भूल जाए, इसलिए लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन वो अगर हमको ये बता रहे थे कि तुम्हारे ग्रंथों में सब गलत है, तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे, उन्होंने कोई ऋण गौरव धन गौरव प्राप्त नहीं किया और उनकी उनकी संतान होने से तुम नालायक हो, ये बताना तो उनको आवश्यक था, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ को साधना था, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे लिए क्यों अनिवार्य हो गया? ये तो हमारा दोष है। हमने अपनी श्रद्धा को बंद कर दिया। अभी सबूत दे रहे हैं, अब हर बात का सबूत थोड़ी मांगा जाता है। कितना भी आप कहें, हर बात का सबूत दिया नहीं जा सकता। इतिहास के सबूत प्राप्त करने की, उनको पक्का करने की जो प्रक्रिया है, वो भी कुछ हजार वर्षों के पूर्व के इतिहास को खोजते समय वो अर्थहीन हो जाती है। जैसे कार्बन डेटिंग कुछ हजार वर्षों पूर्व तक का ठीक चलता है, उसके पीछे गए तो उसमें भी गलतियां हो जाती। और इसलिए अपने यहां पर जो इतिहास लिखा गया, वो आजकल जो इतिहास जैसे लिखा जाता है डेट देके ये सबूत, तो ऐसा नहीं, वो कथा के रूप में बताया गया। क्योंकि इतिहास क्यों सुनना है? वो मनोरंजन के लिए नहीं सुनना है, या एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा भी नहीं, लेकिन इतिहास से कुछ बोध लेना है और उसके अनुसार अपने वर्तमान को ठीक बनाकर चलना है, ताकि भविष्य ठीक हो जाए। इतिहास का कोई उपयोग नहीं, ऐसा हमारे यहां माना गया है। इतिहास ही सब कुछ है, वर्तमान का कुछ उपयोग नहीं, ऐसे भी हमने कभी कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि समय है, समय चलते रहता है। तो समय है, इसका मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों है, इसका एक संबंध है, उस संबंधों को पहचानते हुए मनुष्य को जीना पड़ता है। और इसलिए इसका ज्ञान रखना बहुत आवश्यक होता है। कुछ ज्ञान हमको सीधा सीधा सबूतों के जरिए मिलता है, कुछ ज्ञान परंपरा से मिलता है। हमारे देश का जीवन इतना प्राचीन है, और हमको बाहर से आकर हमको हमारी मूर्खता बताने का प्रयास करने वालों को ये आवश्यक था कि विश्व में उनसे प्राचीन कोई नहीं है, ये सिद्ध करना। और उन्होंने जो इतिहास मान लिया था, वो 4,000-4,500 साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, यहां से शुरू होता था। तो हमारे सारे इतिहास को इधर लाना, फिर उसके लिए कुछ लोगों को खारिज कर देना, ये हुए ही नहीं। फिर रामायण महाभारत ये कविताएं हैं, अभी कविता कोई कविता है? 8,000 साल चली है, 5,000 साल चली है, केवल कविता होने से नहीं चलती। लोकश्रुति की जो परंपराएं चलती है, वो इतने दीर्घकाल वही चल पाती है जिनके अंदर कुछ तथ्य है। कल्पनाएं इतनी लंबी नहीं चलती, लेकिन ठीक है, जो भी हुआ, सौभाग्य से
इसको याद करना चाहिए, ये हमको याद आया, क्योंकि हमने ये जाना कि उधार की पहचाने उधार की कलाएं नहीं चलती, हमारा क्या है वो बताना पड़ता है। दुनिया में ऐसा है, जीवन में भी ऐसा है। हाथी अगर साइकिल चलाए तो टिकट लेकर हम देखने जाएंगे तमाशा, लेकिन उसको हाथी का विकास नहीं कहा जाता है। शेर बकरी एक थाली में खाना खाते हैं, ये दृश्य देखने के लिए हम जाते हैं, उसको उसका विकास नहीं कहा जाता, उसका उसके अपने प्रकृति, उसका अपना जीवन है। वैसे हर देश की अपनी प्रकृति, अपना जीवन। महाभारत को महर्षि व्यास ने ही ये जय नाम का इतिहास है ऐसा कहा है, और उनको झूठ बोलने का क्या कारण होगा? एक कॉमन सेंस विच इज मोस्ट अनकॉमन, उससे विचार किया तो हर बात का सबूत महाभारत में व्यास क्यों गलत बोले। व्यास ने कभी इंद्रप्रस्थ के सिंहासन की आस नहीं लगाई, ना हस्तिनापुर के सिंहासन, वो तो एक ऋषि थे, उनको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन ये जो बात कही गई ना, महाभारत युद्ध का इतिहास नहीं, ये बात सही है, महाभारत में युद्ध है, लेकिन महाभारत क्यों कहानी के रूप में बताया गया तो संहार को रोकने के लिए बताया गया। जन्मेजय के सर्प सत्र को आस्तिक ऋषि ने आकर रोका, जन्मेजय को अपनी गलती ध्यान में आई, वो हिंसा रुक गई। उसके बाद जन्मेजय व्यास महर्षि को पूछता है, व्यास महर्षि भी वहां आ गए कि इससे तो मैं बच गया, लेकिन आगे भी प्रसंग आएंगे, वो मेरे जीवन में आएंगे, ऐसा नहीं, मानवता के जीवन में आएंगे। तो ये बताइए कि हमारे पूर्वजों की कीर्ति हमने सुनी है, कौरव पांडव दोनों हमारे पूर्वज है, और दोनों एक से बढ़कर एक वीर थे, बुद्धिमान थे, शास्त्र ज्ञाता थे, सब कुछ था, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा कलह हुआ और उसके चलते इतना बड़ा संहार हुआ, ऐसा हमें सुनते। कभी किसी को लगा नहीं कि ये कलह नहीं होना चाहिए, कभी किसी ने कुछ प्रयास नहीं किया उसको रोकने का। जन्मेजय की जिज्ञासा में ये भी बात वो कहता है, और इसलिए व्यास महर्षि उसको बताते हैं। इसलिए ये जो अभी कहा कि महाभारत युद्ध की बात नहीं है, वास्तव में महाभारत जीवन विद्या है, अपने यहां पर रामायण, तो मनुष्य ने कैसा होना चाहिए, ने मैंने कैसा होना चाहिए, ये रामायण पढ़ो, वो आदर्श है। दुनिया कैसी है उसमें कैसे चलना, मैं तो राम जैसे बनूंगा, लेकिन मुझे जिस दुनिया में से जाना है उसमें उसको टिकाए कैसे चलना, महाभारत। और जीवन के इस संघर्ष में चलते चलते अपने मन में भी खटास आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, शत्रुता आ जाती, हो सकता है मनुष्य है हम, तो उससे निवृत्त होने के लिए भागवत पढ़ो, ऐसी वो श्रृंखला है। महाभारत ये जीवन विद्या है, और ये एक व्यक्ति के जीवन की केवल बात नहीं है, समाज जीवन कैसे चलता है, पूरा शांति पर्व, उसमें राष्ट्र को कैसे चलाना, किसके किसके क्या कर्तव्य होते, सारा विवरण है, शास्त्र है पूरा। और मनुष्य समूह ने सृष्टि के साथ कैसे रहना, ऐसा एक समग्र जीवन का बोध, ये नहीं करेंगे तो क्या परिणाम होते हैं, ऐसा युद्ध होता है, ऐसा संवार होना पड़ता है। तो ये सब, ये जो बात है कि मनुष्य भी जिए वो अच्छा होकर जिए, वो ऐसा जिए कि सारी दुनिया को अच्छा बनाए, दुनिया जैसी है उसमें से जाकर उस दुनिया को अच्छा बनाते हुए वो चले, और मानवता ऐसी चले तो सृष्टि का भी विकास ही हो, कल्याण ही हो, उसकी हानि ना हो। ये जीवन जीने का जो तत्व है, उस तत्व को अपने यहां पर धर्म कहा गया, वो रिलीजन नहीं है, वो अलग बात है, पूजा अलग बात है। धर्म धारणा करता है, जीवन की धारणा करता है, यह लोक में परलोक में दोनों तरफ सुख देता है, मध्यम मार्ग है, अंत में मध्य में आदि में सर्वत्र
आनंद और सुख देने वाला होता है। और इसलिए महाभारत के मध्य में गीता है और उसका सार महाभारत का महाभारत के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोकों में है, पांच श्लोक है, उसको भारत सावित्री कहा जाता है। उसमें व्यास महर्षि बताते हैं, माता पितृ सहस्राणी पुत्र दार शतानी संसारेश अनुभूतानी यांति आस्यन्ति चापरे हर्षस्थान सहस्राणी भयस्थान शतानी च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडिता। संबंध बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, मरने के बाद समाप्त तो होते हैं, अगले जन्म में फिर से जुड़ते हैं, ये चलते रहता है। माता पितृ सहस्राणी पुत्र धारा शतानी च संसारेश अनुभूतानी यांति यास्यन्ति चापरे। और हर्ष शोक के प्रसंग जीवन में चलते, पूरा सुखमय जीवन नहीं होता है उसमें दुख रहता है, और पूरा दुखमय जीवन नहीं होता है उसमें भी सुख रहता है। तो सुख दुख ये धूप छाव का खेल ये चलते रहता है, उससे ज्ञानी लोग मोहित नहीं होते, आविशंति न पंडिता। ये सब चलते रहता है, हमको धर्म पर पक्का रहना है। न जातु कामान न भयान न लोभा धर्मम त्यजे जीवितस्यापि हेतु जीवो नित्यो सुख दुखे तु अनित्य धर्मो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य धर्मो नित्यो सुख दुखेषु अनित्य जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्य। तो जीवन एक सतत चलने वाला प्रवास है, उसमें जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, ऐसे चलता है। लेकिन उस वो यात्रा करने वाला जीव ये प्रारंभ करता है और अंत में फिर वही जाता है, यह यात्रा उसकी सतत चलती है, वो समाप्त नहीं होता। और इसलिए इन सबके साथ में धारणा करके सबको वहां तक ले जाने वाला जो धर्म है वो छोड़ना नहीं चाहिए। मरता हूं तो भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। न जातु कामान न भयात न लोभात धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतु, क्योंकि सुख दुख ये आने जाने वाली बात है, धर्म पर कायम रहने की, ये बोध है महाभारत का। और अभी पर्यावरण की, यमुना जी की, जल की चर्चा हो रही थी, उसका कारण क्या है, ये समस्या उत्पन्न क्यों होनी चाहिए, इस समस्या का बोलबाला सही ज्ञान प्राप्त किया विश्व ने ऐसा जो कहते हैं, उस विज्ञान युग में ही यह समस्या क्यों आनी चाहिए, उसके पहले जो हम अज्ञानी थे हमारे सामने ये क्यों नहीं आया, उसके अनेक कारण है। सारांश में हम धर्माचरण को छोड़कर चले, क्योंकि धर्माचरण कहता है तुम जियो लेकिन दूसरों को जिलाओ। जो श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्म सु कौशलम, अथवा तथागत ने कहा है कुशलस्य उपसंपदा। कुशलता क्या है, अपना हित साधना लेकिन किसी के हित को क्षति न पहुंचाते हुए ये करना, इसको कुशलता कहा है। तो हमने अपनी लालच के लिए, अपनी हवस के लिए बहुत दोहन किया सृष्टि का और वापस दिया नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान, आधुनिक ज्ञान ऐसे कहता है कि किसी का कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, और इसलिए जो बलवान है वो जिएगा, बलवान बनो, बाकी के लोगों को भी परवाह करो, तुम जियो, क्योंकि जीवन का लक्ष्य उपभोग है। धर्म कहता है जीवन का लक्ष्य उपभोग नहीं है, जीवन का लक्ष्य सबका जीवन बनाना है। ऐसी प्रक्रिया में तुम सीखकर अधिक उन्नत होते होते श्रेय को पहुंचते हो, और इसलिए तुमको जीना चाहिए संयम से, उपभोग से नहीं, और लेते हो उतना वापस देना चाहिए। इस बात को जब मनुष्य ने छोड़ दिया तो सारी विपदा आ गई। बहती ऊर्जा को लेना छोड़कर पृथ्वी के जो भंडारित ऊर्जा के सारे भंडार है, जो कभी रिप्लेस नहीं होते, रिप्लेनिश नहीं होते, उनको हमने खोद खोद कर निकाला, समाप्त कर दिया। उसकी जो प्रक्रिया उसके उपभोग की है उसमें से जो विष पैदा होता है वो सारे वातावरण में फैल गए। ये सारी बातें अपने यहां पर पहले से सोचकर बताई गई है।
और हम भारत के लोग हमने कुछ दशक या कुछ शतक कहिए उसको ही भूलकर हमने निकाले। तो महाभारत का पठन बंद क्यों किया भाई? महाभारत अगर पढ़ते रहते घरों में तो ये ज्ञान अपने आप आता, लेकिन हम कहते जहां महाभारत पढ़ते वहां कलह होता है, बिल्कुल गलत बात है। अपने यहां पर निर्मिति को एथिक्स का बंधन पहले से है। आप बड़े वैज्ञानिक हो या बड़े साहित्यिक हो और आपको स्फूर्ति आई है, प्रेरणा है, और बहुत अच्छा एक निकाला आपने कुछ प्रयोग करके, प्रोडक्ट अथवा कला का प्रकार अथवा आपकी अभिव्यक्ति, लेकिन वो आप तभी बाहर लाते हो जब उसका उसके कारण लोक हानि नहीं होती, लोक कल्याण होता है। क्योंकि आत्मनो मोक्षार्थम ये तो ठीक है, लेकिन वो जगत हिताय च होना चाहिए। महाभारत में ही कहानी है कि एक मुनि की तपस्या बहुत अच्छी चलती थी। एक बार ध्यानस्थ बैठे थे, ऊपर से चिड़िया गई, उसने विष्ठा कर दी इनके सर पे। तो एकदम जाग गए, देखते तो विष्ठा, तो देखा कौन सी चिड़िया है, वो तेज इतना था तब वो चिड़िया जलकर भस्म हो गई। तो इनको बड़ा अच्छा लगा, मैं बहुत पावरफुल हो गया। मध्यान्ह हो गया था, भोजन भिक्षा का समय, तो गए शहर में भिक्षा मांगी एक बड़े घर के सामने खड़े होकर। तो गृहिणी आई भिक्षा लेकर, उतने में उनके पति आ गए। तो उसने भिक्षा बाजू रख दी, पहले पति की आवभगत की, सारा होने के बाद फिर भिक्षा। तब तक ये धूप में खड़े तप रहे, अंदर से भी तप रहे, और जैसे वो गृहिणी भिक्षा डाल रही उसके ऊपर आंखें लाल करके देख रहे। तो भिक्षा देते देते वो गृहिणी उनको कहती है कि महाराज, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो जलकर भस्म हो जाए। उनको आश्चर्य लगा, ये तुमको कैसे पता चला? मुझे चलता है पता, ये शक्ति कहां से मिली? तो बोले, शक्ति कहां से मिली, मुझे कहां से मिली मैं बताती हूं, लेकिन आपने क्या करना ये बताने का मेरा अधिकार नहीं है। मुझे ये शक्ति इसलिए मिली कि मैं अपने कर्तव्य का आचरण ठीक करती हूँ। मैं गृहिणी हूँ, पति की अवभगत मेरा पहला काम है। आपको भिक्षा देना मेरा काम है, लेकिन दो में से क्या मेरा धर्म वो है? मैं वो करती हूँ प्रामाणिकता से, उसी में आनंद मानकर। तो सिद्धि केवल तपस्या से, वही तपस्या है ना, केवल ज्ञान मार्ग नहीं, कर्म मार्ग भी है। हृदय में भक्ति चाहिए दोनों तरफ, लेकिन ये बताने का अधिकार मेरा नहीं है। दूसरा एक शहर है पास में, वहां एक कसाई रहता है, वो मांस बेचता है, उसका अधिकार है आपको उपदेश करने का। उनको और आश्चर्य लगा कि कसाई मुझे उपदेश करेगा। ले गए वहां, तो कसाई ने दूर से ही कहा, महाराज आप इधर मत आओ, आपको ये सहन नहीं होगा, मांस की दुकानें वगैरह है, आप वहीं से मुड़ जाओ, बाएं तरफ एक आम का पेड़ है, मंदिर है नीचे, उसके पास जो झोपड़ी है मेरी है, वहां रुकिए, मैं आता हूँ। इनको आश्चर्य, इसको कैसे पता चला, मैं इसको ढूंढने आया। तो आया अपना दुकान वकान बंद करके, धंधा होने के बाद हाथ पैर धोए, अंदर उसके वृद्ध माता पिता की, उनकी सेवा वगैरह की, फिर फलों की थाली वगैरह लेकर उपस्थित हुआ कि लीजिए महाराज और बताइए क्या प्रयोजन है। तो कहा, प्रयोजन तो है, लेकिन पहली ये बता कि तुझे पता कैसे चला? तो फिर उसने कहा कि महाराज, कर्तव्य है, एक संतुलन है, वैराग्य बिल्कुल ठीक है, मोक्ष बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अन्य धर्मों की उपेक्षा करोगे, आप आत्मसाधना में अपने शरीर मन बुद्धि की उपेक्षा करोगे तो नहीं होगा। आप अगर धर्म की या मोक्ष की साधना में अर्थ काम को छोड़ देंगे तो साधन ही तुम्हारा शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मानव अपने लिए सबका संहार करे वो भी जी नहीं पाएगा। हर बात में एक संतुलन है। ये जो संदेश है, हमारा सारा इतिहास, हमारा राष्ट्र इसी के लिए जन्मा है, और इसी का प्रयोजन जब जब उपस्थित होता है तब हम बढ़ते आगे होते ऊंचे ऊंचे होते, और इसलिए हमारे सारे ग्रंथों में, हमारे सारे तत्व ज्ञान में आजकल मैसेज कहते हैं ना, मैसेज क्या है? मैसेज यही है, संतुलन, मध्यम मार्ग, उसके लिए संयम। स्वयं कोई नहीं है, सबके लिए कर्तव्य है, और हम अपना अपना कर्तव्य करते हैं तो सबके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं।
इसलिए इस इतिहास को पढ़ने का, इस इतिहास को याद करने का, इस इतिहास पर गौरव करने का और इसके अनुसार एक युगानुकूल देशानुकूल नई रचना खड़ी करने का। रचना का रूप अलग होगा। व्यास मुनि हाथ में दर्भ लेकर एक घुटनों तक की धोती वगैरह वगैरह लेकर घूमते थे। आज के और प्रबोधनकारों को वैसा घूमने की आवश्यकता नहीं, उनके पास वहां नहीं कुछ है। लेकिन तत्व वो कायम रखते हुए एक युगानुकूल उसका रूप खड़ा करने की आवश्यकता हमारे लिए भी है, क्योंकि हम अगर भारत हैं तो भारत बनकर ही हम खड़े रहेंगे। हम चाइना बनेंगे, अमेरिका बनेंगे, रशिया बनेंगे, वो तो नकल होगी, वो तमाशा देखने के लिए लोग आएंगे दूर दूर से, लेकिन वो तमाशा होगा, वो भारत का विकास नहीं होगा। हमारी गाड़ी धीरे धीरे उस ओर मुड़ रही है, उस प्रकार जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन विश्व के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि विश्व को एक नई राह चाहिए। 2000 वर्षों में इतने आगे आ गया विश्व कि अबाउट टर्न कर नहीं सकता, लेकिन संतुलन का धर्म मालूम नहीं, एक्सट्रीमिज्म मालूम है, इसलिए वो तुरंत वो लागू करता है, ये कम करो वो करो, सारी गायों को आप बंद कर दो। गायों को बंद कैसा करेंगे, क्यों? गोबर से कार्बन में इतनी फैक्ट्रियां जिनकी है उनका नहीं होता, एक गाय भी मिली आपको, लेकिन ये चलता है, ये चलता है, उसमें कुछ धूर्तता भी है लेकिन अज्ञान भी बहुत है। अब इतने इतने आगे आ गए तो अबाउट टर्न कैसे करेंगे, एकदम नहीं हो सकता, गाड़ी पलट जाएगी, धीरे 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 धीरे, लेकिन मन में रख करके अबाउट टर्न करना है, हमको एक लंबा गोल खींच के वापस आना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए ये ज्ञान आवश्यक है, उसके लिए इसका गौरव अपने मन में चाहिए, उसके लिए इसका इतिहास मालूम चाहिए, इसका भूगोल मालूम चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इतिहास यानी पुस्तक की कथा नहीं होती, इतिहास यानी नदी होती है, इतिहास यानी पर्वत होता है, इतिहास यानी महापुरुष होते हैं, इतिहास यानी उनके कथा पुराण होते हैं, इतिहास यानी उनके वंशावली में हमारा भी स्थान है, ये गौरव होता है। जाओ भारत में गांव गांव में लोग बताएंगे आपको, यहाँ सीता जी नहाई थी, सीता जी कहाँ कहाँ भारत में जाकर वो नहाई पता नहीं, हर जगह बताते हैं। ये बड़ा टीला इसलिए है कि भीम ने इसको लाकर रखा, कितने जगह पर भीम टीले रख गया कि नहीं रख गया बात नहीं, हम उससे जुड़ते हैं, हम भीम से जुड़ते हैं तो भीम के पुरुषार्थ से जुड़ते हैं, भीम के पुरुषार्थ से जुड़ते हैं, दुर्योधन के नहीं, पुरुषार्थ दोनों में था लेकिन दिशा भीम की, वो दिशा कौन सी उससे जुड़ते है? ये जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, इसके लिए भूगोल, इतिहास, कथाएं सब कुछ चाहिए, और जैसा आज का जमाना है सबूत भी चाहिए। तो इसके लिए बहुत काम आसान नहीं है, लेकिन किया है, पुस्तक मैंने देखा है, बहुत सुंदर हुआ है, विद्वान लोग और उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन मेरे जैसे इतिहास शास्त्र से जिसका संबंध नहीं है उसको भी ये बहुत सारी सामग्री प्रदान करने वाली पुस्तक है। और ये काम लगकर आप लोग कर रहे हैं, आज हमारे यहाँ ये सुगुगाहट थोड़ी शुरू हो गई है, इस ओर हम सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, ये अब विचारधारा का प्रश्न नहीं रहा, ये सभी विचारधाराओं में लोगों को ऐसा लगता है, सभी प्रकार भारत में सर्वत्र ऐसा जहाँ जहाँ जो कुछ है उसको वहाँ के लोगों से, वहाँ से शासन प्रशासन से, वो किसी का भी हो, प्रोत्साहन मिलने की प्रक्रिया चल रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो काम इन्होंने किया है वो तब शुरू किया है जब ऐसा प्रोत्साहन नहीं था, उल्टा विरोध था, ऐसा सोचने वालों को अज्ञानियों की वर्ग में धकेलने की कोशिश होती, तब से ही काम चल रहा है। और ऐसा काम सतत चलाने की प्रेरणा देने वाले बीबी लाल जी जैसे महापुरुष थे, इसलिए वो चला, लगकर उनमें 100 साल उनके पूरे हुए तो मिलने गया था, तो वो पहले जाकर अभिनंदन वगैरह उतना हो गया, बस वो 3 मिनट का वो उनके संबंध में बात हो गई, हम गए थे उसी के लिए, लेकिन बाकी सारी बात इतिहास महाभारत दिल्ली इंद्रप्रस्थ है, उसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ, जरा आप मेरी बात पहुंचाओ, यही उनके मन में तड़पन क्या है,
ऋषि क्या होते हैं? ऋषि ऐसे ही होते हैं, ऋषि तपस्या करते हैं, उनको अपने श्रेय का मार्ग मालूम है, लेकिन उससे उनका समाधान नहीं होता। मैंने जो पाया है वो सबको देना है, क्योंकि वो कल्याण का मार्ग है, वो सबको मिलना चाहिए। इस तड़पन से उनकी तपस्या श्रेय प्राप्ति के बाद भी चलती रहती थी। 100 साल की आयु में उस समय बीबी लाल जी को कुछ प्राप्त करना शेष नहीं था, उनके पास नाम था, सब कुछ था, लेकिन दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है ये उजागर अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ये उनकी वेदना। ऐसे लोगों के कारण अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया ये सब हम भूल जाए, तो भी ये हम भूले नहीं, और फिर से याद करने के लिए हमारे पास सामग्री उपलब्ध है, ये होता है। और इसलिए आज मुझे लगता है उनके प्रति मन ही मन कृतज्ञता व्यक्त करके और इस पुस्तक का विमोचन हमने किया है, तो इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कुछ करना है वो हम करें। और भी 2-3 उपक्रम यहाँ बताए गए, वो उसी धर्म तत्व पर आधारित उपक्रम है। श्रद्धा के सिवा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, उस श्रद्धा का उसको आधार है, तो उनके भी प्रचार प्रसार में हम सब लोगों के परिश्रम लगे। मुझे लगता है कि इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ इस कृति की अगर उसको जोड़ मिल गई तो फिर आज बीबी लाल जी का जो हम स्मरण कर रहे हैं वह भी सार्थक होगा, इस पुस्तक का भी उपयोग होगा, ये सब हो, ऐसी शुभकामना मैं आपको देता हूं। और मेरे 4 शब्द समाप्त। धन्यवाद सर।